24/7 लाइव टीवी में आपके साथ पूजा श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने समाजवादी पार्टी सरकार के समय प्रारंभ समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4 साल में भी वो अधूरा है। निम्न गुणवत्ता का निर्माण कार्य किनारे पर, ना मंडियां बनाई गई, ना ही रास्ते की सुविधाओं का ध्यान रखा गया। जब समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नवीनीकरण होगा। मुख्यमंत्री बस निरीक्षण ही कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा ने जनहित में कामों से लगता है कि दुश्मनी पाली है। उसकी सोच शायद यह है कि झांसा देकर सरकार बनाई जा सकती है और 4 साल तक चलाई जा सकती है, तो काम करने की जरूरत क्या है। कर्ज माफी का झूठा नाटक करने के बाद अब बहाने बनाकर किसान सम्मानित निधि में दी गई धनराशि की वसूली करने लगी है। समाजवादी सरकार में झांसी मेडिकल कॉलेज में 500 बेड की अस्पताल के लिए बजट जारी किया गया था और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। इस पर 1,88 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन भाजपा सरकार ने काम रुकवा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में लखनऊ गोमती नदी की सफाई और रिवर फ्रंट जैसी सौंदर्य स्थली के विकास का काम हुआ था। भाजपा सरकार के आते ही गोमती नदी की सापेक्षा शुरू हो गई है। नाले गिरने और कूड़ा डंपर से गोमती अब प्रदूषित हो चुकी है। रिवर फ्रंट बर्बाद हो चुका है। गड्ढा मुक्त अभियान कब चलाया गया था और कब बंद हो गया पता ही नहीं चला। भाजपा की इस धोखाधड़ी का जवाब अब जनता 2022 में लेगी।